हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और काफ़ी लंबा समय बाद ये वीडियो हम लेके आए हैं। और इतना दिन हम क्यों नहीं वीडियो बनाए, वो भी मेरा एक रीज़न था, तो रीज़न हम आपको बता नहीं पाएंगे। तो जो भी है, मेरा अभी मेरा टाइम भी नहीं मिल रहा हमको वीडियो बनाने के लिए। एक्चुअली मेरा जो काम का प्रेशर है बहुत बढ़ गया, मेरा स्टेप लोग भी बढ़ गया, ठीक है, और टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। और मैंने जो इतना सारा ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के बहुत सारा रखा है, आप मेरा वीडियो जाके चेक कीजिए, ठीक है। मेरा डे जो 30 का था, वहाँ मैंने कितना 10-11 वीडियो शायद बना के छोड़ दिया, मुझे टाइम ही नहीं मिला। और इधर भी मेरा बहुत सारा हर ब्लाउज का कटिंग है, प्रिंसेस कार्ड, चोली कार्ड, कोटुरी कार्ड, सब बसा जी जो भी ब्लाउज का कटिंग है, मैंने सब डिटेल से आपको समझाया। अब जो भी अगर आप नया नया देख रहे हैं, अगर आपको ब्लाउज कटिंग सीखना है कि आपका खुद के लिए बनाना है, तो मेरा वो सारा वीडियो आप जाके देखिए, आप बहुत आसानी के साथ कटिंग सीख लेंगे। और ये वीडियो मेरा बनाने का एक रीज़न है, मेरा एक सब्सक्राइबर है, मैंने बहुत दिन से मैसेज कर रहा था ये कटिंग के बारे में, जो 3 कार्ड ब्लाउज प्रिंसेस कार्ड उसको बेल का साथ कटिंग करना है, ठीक है। और मेरा टाइम भी नहीं मिला, ठीक है, फिर भी हम कोशिश किया है टाइम निकालने का, और इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको कटिंग सीखना है तो आप मेरा जो वीडियो है एक दो बार देखिए, आप देखने से ज़्यादा प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, ठीक है। जो कतरन वतरन होता है, पेपर होता है, उससे आप कटिंग कीजिए, पैटर्न कीजिए, अपना से खुद से बनाइए, आप देखिएगा बहुत आसानी से सीख लेंगे। देखिए वीडियो आप जितना मरतबे देखेंगे आपको याद नहीं रहेगा, आप प्रैक्टिकल में 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको लाइफ टाइम हमेशा याद रहेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं जो वीडियो का जो कटिंग है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा क्या करना है नहीं करना है, सारा कुछ आपको बताऊँगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर देना। और मेरा बहुत जल्दी 2000 सब्सक्राइबर होने वाला है, ठीक है। शायद मेरा कितना सब्सक्राइबर है अभी मेरा 25 सब्सक्राइबर बाकी है, ठीक है, सॉरी 20 सब्सक्राइबर बाकी है। अगर आप लोग 20 सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए, मेरा 2000 सब्सक्राइब कम्प्लीट हो जाएगा। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो इसी लंबा हो गया, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं मेरा जो ये साइड में जो है मेजरमेंट है, ठीक है, ये मेजरमेंट आप देख लीजिए। और आपका जो भी मेजरमेंट है हम आपको बताऊंगा कब आपको क्या चेंज करना है नहीं करना है, आपका मेजरमेंट के हिसाब से फार्मूला आपका मेजरमेंट से आप चेंज कर लीजिए, ठीक है। और फार्मूला आप सारा कुछ एक ही रहेगा, ठीक है, फार्मूला आपको कुछ नहीं चेंज करना है, खाली आपका जो मेजरमेंट है बॉडी का वही आप चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लाउज का जो लंबा है, सबसे पहले हम नीचे का तरफ एक ऐसी लंबा लाइन खींचेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है, ऐसी एक लंबा हम लाइन खींचेंगे, इसी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ठीक है। मेरा जो स्ट्रेट लाइन है इसे आपको स्ट्रेट लाइन एक खींच लेना है। तो उसका बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ब्लाउज का लंबा देना है। ब्लाउज का लंबा आप देख सकते हो मेरा कितना है, 13.5 इंच है, 13.5 इंच में मैंने एक मार्कर लगाया, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन और एक खींच लिया, ठीक है। तो आपका ब्लाउज का एक मेन बात है, जो आपका जो कंधा में जो शोल्डर होता है, इस शोल्डर में सबसे आपका मेन बात है। तो आपका सबसे पहले बैक का डीपनेस कितना है, फ्रंट का डीपनेस कितना है, उसका हिसाब से वाला जो पुट होता है उसका हिसाब से पुट होता है। तो आप देख सकते हैं मेरा बैक का जो डीपनेस है 10 इंच है। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, इसको 2.5 इंच यहाँ पे देना है, मतलब फ्लैट जो है 2.5 इंच करके इसको डबल कीजिएगा, 5 इंच हो जाएगा, ठीक है। उसका बाद हम इसका जो पुट है हम इसको 1.5 इंच रखेंगे, ठीक है, 1.5 से 1.25 इंच रखेंगे, इससे 1.25 इंच रखेंगे। और ऐसे हम देखिए, आप देख सकते हो 4 मेरा 2 सूत आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, 4 इंच 2 सूत आ रहा है यहाँ से, हम ऐसे इसको नीचे एक 4 इंच 2 सूत पे मार्क करेंगे। करने के बाद हमको इसे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेना है, आप भी ऐसी स्ट्रेट लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है। फिर उसका बाद हमको मेरा जो आप देख सकते हो मेरा जो अपर चेस्ट है कितना है, 34.5 है, ठीक है। तो 34.5 है, हमको क्या करना है, तो हमको यहाँ पे 6 इंच पे एक निशाना देना है, ठीक है। देने बाद हमको ऐसी एक लाइन खींचना है स्ट्रेट, ठीक है। मेरा जो अपर चेस्ट है इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब 34 से डिवाइड करने के बाद 8.5 एक सूत आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक निशाना देंगे इसे, ठीक है, यहाँ पे एक निशाना देंगे, ये मेरा अपर चेस्ट का हो गया, ठीक है। और अब इधर देख सकते हो मेरा जो कोमर है 30 इंच है, इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद मेरा कितना आएगा, 7.5 आएगा। तो आपको भी 7.5 पे एक निशाना देना है। तो आपका जो भी कोमर रहेगा, अगर मान लीजिए आपका कोमर 32-32 इंच हो गया, तो आपको 4 से डिवाइड करने के बाद आपको 8 इंच देना है। मेरा जैसे कोमर 30 है तो हम 7.5 दिया, आपको जितना कोमर होगा वही हिसाब से 4 से डिवाइड करने के बाद आपका जितना आएगा उतना आप दीजिए, ठीक है। और इसका बाद हमको क्या करना है, इसका बाद हमको 1/2 इंच पीछे
टेकिंग जो होता है, डार्ट जो होता है, उसके लिए हमको 1/4 इंच निशाना देना है इसे, ठीक है। देने के बाद इसे हमको दो लाइन इसे खींच लेना है। देखिए एक लाइन हो गया और इधर भी एक लाइन हो गया, ठीक है, दो लाइन हो गया। जैसे नॉर्मल बेल्ट का कटिंग होता है वही है, ठीक है। आपको जो बेल्ट कैसे निकलता है वही आज अब हमको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो मेरा जैसे नॉर्मल निशाना हो गया, और आपका भी जो अपर चेस है ये वाला मेजरमेंट दीजिए, उसका बाद एक कोमर का आप दे दीजिए, ठीक है। अब इसे अब हमको क्या करना है, तो अब हमको इसका जो पॉइंट है, पॉइंट को हमको निशाना करना है। अब देख सकते हो मेरा जो पॉइंट है 9.5 इंच है, तो 9.5 इंच पे एक निशाना देंगे इसे, ठीक है। देने के बाद एक स्ट्रेट ऐसी लाइन खींचेंगे, आप देख सकते हो इसी स्ट्रेट एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। और इसका बाद यहाँ से हमको 3.5 इंच पे एक निशाना देना है, ठीक है। इधर एक 3.5 पे देना है और इधर भी एक 3.5 पे देना है इसी। देने के बाद इधर भी हमको एक स्ट्रेट लाइन खींच लेना है, ठीक है। ये मेरा जो ब्लाउज का जो मेन सेंटर पॉइंट है ये मेरा पॉइंट हो गया, मतलब मेरा जो बास्ट पॉइंट जो है ये वाला लाइन से होगा, ठीक है। और ये हो गया अपर चेस्ट वाला लाइन, और ये हो गया आपको मेरा कोमर का लाइन, ठीक है। और ये आप देख सकते हो शोल्डर है, ये अब हमको देना इसका आमूल का शेप, ठीक है। आप देख सकते हो इसका जो आमूल है 36 को हमको 5 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 36 को डिवाइड करने के बाद 7.5 के 8 का करीब आएगा, ठीक है। तो हमको ऐसे आमूल का शेप देना है, ठीक है। यहाँ से मुझे 8 इंच आमूल करना है, ठीक है। अब देख सकते हो मेरा जो है आमूल है 8.5 इंच आ गया, ठीक है। तो इसमें आधा इंच हमको इसमें जो है आमूल है आधा इंच हमको कम करना है। तो आधा इंच कम के लिए हमको क्या करना है, तो ये जो पुट है हमको यहाँ से ऐसी थोड़ा सा ऐसी शेप देना है, थोड़ा सा शेप को जो डीप मैंने दिया था पहले, थोड़ा सा शेप को ऐसी ऊपर से दिया है, ठीक है। अब देख सकते हो इसका जो आमूल है शायद 8 इंच होना चाहिए मेरा हिसाब से, ठीक है, 8 इंच 2 सूत, ठीक है। तो हम 2 सूत इसको शोल्डर जो है थोड़ा सा 2 सूत को हम पुट को डाउन कर दिया, ठीक है। अब हमको प्रिंसेस का शेप देना, देखिए सबसे पहले जो ये जो पॉइंट है, तो पॉइंट से आपको क्या करना है 1.5 इंच दूरी पे, ठीक है, 1.5 इंच दूरी पे आपको एक निशाना देना, ठीक है। ये जो पॉइंट मिडिल पॉइंट है यहाँ से 1.5 इंच दूरी पे एक निशाना देना है। देने के बाद एक स्ट्रेट आपको ऐसी लाइन खींचना है, लाइन खींचने के बाद आपको ये जो पॉइंट का जो मिडिल वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है यहाँ से आपको इसी 1.5 इंच इधर के तरफ आपको एक निशाना देना है, ठीक है, ऐसी देना है, ऐसी देना है। और यहाँ से आपको क्या करना है, ये जो शेप देख सकते हो यहाँ से आपको ऐसी इसको मिला देना है, ठीक है। मैंने जैसे ही मिला है आपको भी ऐसी करना, ठीक है, ऐसी लेके ऐसी आपको शेप दे के मिला देना, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरा जो नीचे का पार्ट है ये हो गया। अब हमको ऊपर का प्रिंसेस का जो शेप है ऐसी हमको देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपको हम दिखाने के लिए ये वाला लाइन थोड़ा सा लंबा खींच लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते इसका जो कोना है, इसका जो आमूल का शेप का हिसाब से ये वाला जो प्रिंसेस वाला ऊपर वाला जो लाइन है इसका शेप का हिसाब से होता है। अगर मान लीजिए आपका शोल्डर अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाता, मान लीजिए आपका ऐसे नॉर्मल पीछे रहता, तो आपका शेप थोड़ा इधर से आ जाता, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें थोड़ा सा डीप है, इसका जो पूट है बहुत ही पतला है, तो इसलिए हमको क्या करना होगा, आप देख सकते हो यहाँ से हमको ऐसी शेप देना, ठीक है। देखिए यहाँ से ऐसी इसको मिला देना है ये वाला पॉइंट को, ठीक है, ऐसी मिला देना है, बस कुछ नहीं करना, ऐसी इसको मिला देना है। और यहाँ से हमको लगभग 1/2 इंच मतलब 1/4 इंच दूरी पे, ठीक है, 1/2 इंच दूरी पे हमको ऐसे एक निशाना देना है। देने के बाद हमको यहाँ से अब देख सकते हो मैंने कितना यहाँ से 1/2 इंच नमाते हैं, शायद इधर से भी हमको शायद 1/2 इंच दूरी पे, ठीक है, 1/2 इंच दूरी पे हमको ऐसे एक निशाना देना, ठीक है। इसी देने के बाद हमको ये वाला जो शेप है ऐसी इसको मिला देना है, देखिए ऐसी इसको मिला देना है। और ये जो शेप है बहुत सारे आप वीडियो में देख सकते हो यूट्यूब में, ये वाला जो टेकिंग जो पार्ट है ये एक्चुअली में नहीं देता है। फिर नहीं देने के बाद आपको जो आमूल में ना आपका जैसे कपड़ा ना थोड़ा मुड़ा मुड़ा रहता है, फिटिंग सही नहीं आता, ठीक है। आप जरूर जब भी प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग कीजिएगा, ये जो टेकिंग का जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है इसको आप काट के निकाल दीजिएगा, ठीक है, तब आपका ब्लाउज सही फिटिंग होगा और जो शोल्डर गिरता है वो भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरा जो लगभग जो प्रिंसेस का शेप है ऑलरेडी हो चुका है। अब हमको नेक का देना है, ठीक है, नेक का डीपनेस मेरा है आप देख सकते हो 9 इंच है, ठीक है, आप देख सकते हो कितना है 9 इंच, तो ये थोड़ा काफ़ी ज़्यादा डीपनेस है। तो आपका हिसाब से भी कर लीजिए, आपका मान लीजिए आपका 7.5 है वो भी हम आपको बताऊंगा, आपका ये थोड़ा काफ़ी ज़्यादा डीप है, कस्टमर जो है थोड़ा डीपनेस पहनते हैं, ठीक है। तो हमको इसमें स्वीट हार्ट नेक ड्रॉ करना है, तो हम आप अगर नेक को स्वीट हार्ट
कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, तो आपको देखा देता है ठीक है। स्वीडर नेक ड्रॉ करने लिए आपको क्या करना होगा, आप देख सकते हो इधर से मेरा जो फ्लैट है 8.5 इंच है, तो हम यहाँ से रखेंगे 3 इंच 3 इंच 2 सूत, थोड़ा सा ब्रॉड टाइप का ठीक है, 3 इंच 2 सूत यहाँ से रखेंगे। रखने के बाद हम ऐसी टेढ़ा करके ये वाला लाइन को ऐसे खींच लेंगे ठीक है। अब हमको क्या करना होगा, ऐसे हमको ये जो मेरा जो डीपनेस है इसको ऐसे हम शेप दे देंगे ठीक है। अब देख सकते हो फिर यहाँ से हमको थोड़ा सा ऐसे मिला के ऐसे दे देना है ठीक है। अब देख सकते हो ये मेरा स्वीट हार्ट नेक हो गया ठीक है, मेरा ये भी नेक हो गया। अब हमको इसका बेल का कपड़ा निकालना है। बेल कैसे निकलता है, मेन बात है पिंसेस कट तो आप लोग को आता है लेकिन बेल का साथ आपको नहीं आता है, तो बेल के लिए आपको क्या करना होगा, ये अब ये देख सकते हो ये जो मार्कर है, ये जो पॉइंट का सेंटर लाइन है, तो आपको क्या करना है यहाँ से ये वाला जो लाइन है ये वाला पॉइंट ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको आपको ऐसी करके शेप दे देना ठीक है, ऐसी करके शेप दे देना ठीक है। देने के बाद इधर से शायद आपको 1.25 इंच ठीक है, इसी 1.25 इंच दूरी पे एक निशाना देना है ठीक है। देने के बाद ये वाला जो लाइन है, ये जो टेकिंग का यहाँ का जो पॉइंट है, यहाँ से आपको ऐसी इसको उठा देना है ठीक है, ऐसी उठा देना है ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरा जो प्रिंसेस का जो शेप है ऑलरेडी हो चुका है सारा कुछ। अब हम इसको काट कर लेंगे ठीक है, हम इधर से शायद 8.5 इंच करके मार्जिन रख के इसको कटिंग कर लेंगे ठीक है, 8.5 इंच करके मार्जिन रख के ऐसे कटिंग कर लेंगे। अब मेरा फोन का जो मार्किंग है सारा कुछ इसमें हम कर लिया, अब हम इसको एक एक करके काटेंगे आपको हम दिखाएंगे ठीक है। तो हम क्या करेंगे ऐसे 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के इसी हम इसको कटिंग कर लेते हैं, आप भी कटिंग कर लीजिए ठीक है इसी, और इधर भी हम 2 क्वार्टर इंच मार्जिन छोड़ के इसी कटिंग कर लेते हैं ठीक है। ये मेरा हो गया ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इसका सबसे पहले ये वाला पार्ट को हमको निकालना है। ये वाला जो पार्ट है इसको हम पहले निकालेंगे ठीक है, ये वाला पार्ट को, ये वाला 1 नंबर पार्ट हो गया ठीक है, ये 2 नंबर हो गया, बेल मेरा 3 नंबर हो गया ठीक है, 3 नंबर हो गया। सबसे पहले हम ये वाला पार्ट को निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो जैसा मेरा मार्किंग है इसको हम पूरा हम कॉपी कर लेंगे इसी, देखिए हम जैसी काटते हैं आप भी इसी चक्का लेके इसको ऐसे कॉपी कर लीजिए ठीक है। ये हो गया और इधर भी ऐसे हो गया ठीक है, और इधर से आपको कर देना ठीक है, और इधर से भी आपको ऐसे और आपको और एक चीज करना है, ये जो मार्किंग है ये वाला हम मैंने निशाना नहीं लगाया, यहाँ से आपको नीचे का तरफ से ठीक है 1/2 इंच दूरी पे एक निशाना देना ठीक है, ये वाला को आपको यहाँ से निशाना खींच लेना है ठीक है, ऐसे ऐसे निशाना खींच लेना है आपको, और ये वाला जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक आएगा ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आएगा, और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक ही आएगा ठीक है, और ये मेरा मिड पॉइंट हो गया, मेरा मिड पॉइंट हो गया ठीक है, ये मेरा सेंटर हो गया ठीक है। अब देख सकते हो ये मेरा मार्किंग हो गया पूरा ठीक है, ये मेरा मार्किंग हो गया, इसको हम कॉपी कर लेते ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं ऐसे, और इसको भी हम ऐसे कॉपी कर लेंगे मार्किंग को ठीक है। आप देख सकते हो ये मेरा पूरा मार्किंग कंप्लीट है। तो अब हमको क्या करना है, तो ए वाला जो पार्ट है थोड़ा इधर थोड़ा ध्यान से देखिए ठीक है, आप लोग को जैसे समझ में आए उसी हम आपको ए सी दिखा रहे हैं, अब अगर इसमें अगर हम मार्किंग करके देखा तो फिर आपको समझ में नहीं आता। तो यहाँ से आपको 1/2 इंच ठीक है, इसी 1/2 इंच पे एक निशाना देना ठीक है, और इधर भी आपको 1/2 इंच दूरी पे एक निशाना देना है। देने के बाद ये जो शेप है आपको इसी दे देना ठीक है, इसी दे देना है, और इसको इसी मिला दीजिएगा ठीक है, खाली 1/2 इंच नीचे का तरफ आपको बड़ा रखना है ठीक है इसी। तो इसको हम क्या करेंगे अभी काट कर लेंगे ठीक है, इसी मार्जिन छोड़ के इसे काट कर लेंगे।
जैसे क्वार्टर इंच मार्जिन होता है कट कर लेंगे इसमें। और ये देख सकते हो ये जो मेरा बास का जो मिडिल पॉइंट है ये वाला निशाना है, ठीक है। और ये मेरा नेक है, ये मेरा जो पहला जो पीस है ये मेरा हो गया, एक नंबर पीस कटिंग हो गया, ठीक है। अब हमको दूसरा पीस को काटना है, ठीक है। दूसरा पीस हमको काटने के लिए सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे मार्किंग है आपको मार्किंग को कॉपी करना है, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ से इसी मार्किंग को कॉपी करना है, ये जो सेंटर का जो निशान है इधर भी इसी आपको मान लेना है, ठीक है। और यहाँ से इसको घुमा के इसी शेप दे देना है, ठीक है, इसी शेप दे देना है। और उसका बाद आपको क्या करना है इधर से, ठीक है, इधर से इसी आपको निशाना कर लेना, ठीक है। और ये जो मार्किंग है यहाँ से आपको अमल का इसे मिला देना है, ठीक है। और ये जो है ये जो मेरा मार्किंग है इधर से आपको 200 दूरी पे, ठीक है, इसे निशाना देना, ठीक है। ये मेरा जो मार्किंग है ये पहले का मार्किंग है, बैक का है, हम 200 बढ़ाया है, ठीक है, ज़्यादा नहीं 200, ठीक है। और ये मेरा सेंटर हो गया, ठीक है, ये मेरा सेंटर हो गया। पहले हम इसको कॉपी कर लेते मार्किंग को, सही से उठा लेते चौक से। तो देख सकते हो उठा लिया हमने, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब हम देख रहे थे, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है ये चीज़ को आपको मापना है, ठीक है, ये चीज़ आपको कितना इंच आ रहा है, ये जो चीज़ है अब देख सकते हो 8.5 इंच आ रहा है, ठीक है। तो हमको यहाँ से 8.5 इंच ऐसे पकड़ना है, ठीक है, ऐसे लेके इंच टेप को 8.5 इंच करना है। अब देख सकते हो 200 नीचे का तरफ ये जा रहा है, ठीक है, 200 हमको देना है, मतलब ये वाला जो है 200 ऐसी लंबा लाइन खींच लेना है। जो मैंने जो आधा इंच इधर बढ़ाया था वही चीज़ है, आपको 200 ऐसी बढ़ा देना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है ये चीज़ को आपको मापना है, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ से मेरा जो बेल पीस है आप देख सकते हो यहाँ से मेरा कितना इंच आ रहा है बेल पीस, मेरा आप देख सकते हो बोला 30 इंच कोमर है, ये मेरा बेल पीस का साइज हो गया, ठीक है, ये मेरा बेल पीस का साइज हो गया। तो हमको ऐसे मापना है, अब देख सकते हो ऐसे हमको मापना है, मतलब 8.5 इंच 9.5 इंच आ रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए मेरा जो कोमर है जो 30 है, और ये वाला जो लाइन है इसको छोड़ दीजिए आप, ये पीछे का जो बैक के लिए डार्ट है मेरा ए वाला लाइन है, ठीक है, यहाँ से आपको ऐसे मापना है। अब देख सकते हो 9.5 इंच आ रहा है, ठीक है, तो 9.5 इंच आ रहा है, तो हमको यहाँ से क्या करना है 9.5 इंच को हमको लिख लेना, ठीक है। अब ले अभी याद रखिए 9 से 200 कम है, ठीक है, हम मैंने लिख दिया। और ये मेरा जो चीज़ है ये कितना इंच आ रहा है ये इसको हमको मापना है, ये मेरा सिलाई मार्जिन हो गया इधर, इधर से हमको ये वाला मापना है, ठीक। अब देख सकते हो ये मेरा 4 इंच आ रहा, ठीक है, तो हमको क्या करना है यहाँ से हमको 4 को माइनस कर देना, ठीक है, ये मेरा सामने का पीस जो है 4 इंच, यहाँ से हमको कितना रखना है 9 इंच रखना है। अब देख सकते हो मेरा पूरा कितना आ रहा 9 इंच आ रहा, ये जो 9 इंच है 9 इंच से 200 कम यहाँ पे आ रहा, तो हमको ऐसे शेप दे देना है। ये जो 200 जो ये जो मेरा ब्लाउज का पीछे का मार्के था ये मेरा सामने का हो गया, ठीक है, 200 जो ज़्यादा मैंने दिया था ऐसे हो गया, ठीक है। अब देख सकते हो मेरा साइड का जो पीस है 2 नंबर पीस है ये भी मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इधर हम 1.25 इंच मार्किंग रख के 1.25 इंच इसको हम काट कर लेंगे, ठीक है, इसको हम काट कर लेंगे इसे, ठीक है। इसको इसे काट कर लेंगे। अब देख सकते हो मेरा दूसरा पीस भी कटिंग हो गया। अब हमको बेल को काटना है, थोड़ा बेल को काटने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ये जो है कपड़ा को इसे सही से बिछा लीजिए, ठीक है। बिछाने के बाद आपको क्या करना है, इसे एक लंबा लाइन खींच लीजिए, ठीक है, इसे एक लंबा लाइन खींच लीजिए ऊपर का तरफ। अब देख लीजिए कितना इंच ये आ रहा है बेल, अब देख सकते हो इधर से मेरा कितना इंच आ रहा है, शायद
4 इंच 200, मतलब आपको 5 इंच का करीब ऊपर का तरफ कपड़ा रखना है, ठीक है, 5 इंच का करीब 200 इधर एक लाइन खींचना है इसकी, ठीक है, ऐसी लाइन खींचना है। खींचने के बाद इसको आपको मापना है, ये बैक से मापना है कितना इंच आ रहा है, ठीक है, आपको अभी थोड़ा इसको माप लेना, ठीक है, ये वाला बेल पीस जो है ये वाला लंबा कितना इंच है, अब देख सकते हो ये 4 इंच है, तो मैंने इधर कितना 5 इंच 5.5 इंच का करीब कपड़ा रखा है, तो आपको भी ऐसे करना है। और इधर अभी इसको माप लेना है, ठीक है, ये वाला पीस कितना इंच आ रहा है, ये वाला जो बेल का जो पीस है कितना इंच आ रहा है, ठीक है, ये वाला बेल का पीस इसको मापिएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट को मापिएगा। तो आपको इधर देखना है, इधर से लगभग मेरा 5 इंच 2 सूत आ रहा, ठीक है, मतलब 5 इंच 2 सूत इधर, अब देख लीजिए इधर आ रहा है, ठीक है, 5 इंच 2 सूत इधर आ रहा, तो मेरा कितना है इंच आ रहा, 1.25 इंच हो रहा, ठीक है, मतलब हमको 1.25 इंच एक्स्ट्रा देना है, ठीक है, 1.25 इंच एक्स्ट्रा देना है। तो हमको क्या करना है, एसी ए वाला जो है कपड़ा है इसे आपको बिछाना है, ठीक है, लाइन से पूरा बराबर आपको इसे मिला लेना है, ये वाला जो लाइन है नीचे वाला जो लाइन है नीचे वाला, ये लाइन को आपको खींच के इसे बराबर आपको मिलाना है, लाइन से मिलाने के बाद इधर आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ 1.25 इंच मेरा टेकिंग का मार्जिन है, ठीक है, तो हमको क्या करना है 1.25 इंच ऐसी एक लाइन खींचना है और इधर भी एक ऐसी 1.25 इंच लाइन खींचना है, फिर हमको यहाँ से ऐसे शेप दे देना, ठीक है, और ये वाला लाइन देख सकते हो ये वाला जो मार्का है, तो इसको आपको ऐसे मिला लेना है, ठीक है, इसको ऐसे मिलाना है, ठीक है, आप चाहो तो एक जो पिन है, पिन नहीं तो सुई से भी आप इसको मिला सकते हो, ऐसे इसको आपको ऐसे खील लेना, ठीक है, खीलने के बाद आपको क्या करना होगा, ये वाला जो लाइन है, ठीक है, इसको बराबर रख के और ये लाइन को भी ऐसे आपको बराबर रखना है, ठीक है, ये लाइन का भी ऐसे बराबर रखना है और यहाँ से आपको मापना है 30 इंच, ठीक है, यहाँ से आपको मापना है कमर कितना है 30 इंच, मतलब यहाँ से आ रहा, ठीक है, रख के आपको इसे शेप दे देना, ठीक है, जैसा शेप है एग्जैक्टली आपको इसी शेप देना है, अब देख सकते हो यहाँ से हमको ऐसी शेप देना है, ठीक है, ऐसी शेप देना है, ठीक है, और इधर 1.25 इंच हो गया और इधर से भी इसको हम ऐसे कट कर लेंगे, ठीक है, और ये वाला जो मेरा मिडिल है सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है, अब देख सकते हो ये वाला जो है और इधर भी हो गया, ठीक है, और इसको इसी काट कर लेंगे आपको, और इधर भी आपको 1/4 इंच मार्जिन छोड़कर आपको काट करना है, ठीक है, अब देख सकते हो मेरा जो है बिल्कुल कटिंग हो गया, ठीक है, तो ये जो मैंने जो निशाना लगाया ये चीज़ को आपको फॉलो करना है, ठीक है, जब काट का जो जोड़ आप दीजिएगा तो आपको इसको बराबर रखना है इसका साथ, एक मिनट, ये वाला मेरा 3 नंबर पार्ट हो गया ना, अब देख सकते हो ये वाला मेरा दूसरा पार्ट है और पहला जो मेरा पार्ट था ये वाला, ये सॉरी ये वाला मेरा 1 नंबर पार्ट था, ये वाला 1 नंबर पार्ट था, अब देख सकते हो ये वाला जो है लाइन इससे इधर मिल जाएगा और ये चीज़ इधर से मिल जाएगा, देखिए ये चीज़ जो है इधर से आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे मिल जाएगा, और ये आपका हटा देते हैं और बैक को आपको हम दिखा दे रहे हैं, एक मिनट, मेरा जो बैक है इधर से आपको मार्कर को फॉलो करना है, ये जो 1.25 इंच है ये मैंने पीछे डाट के लिए दिया था, इधर से हमको 1.25 इंच देना है और इधर से भी हमको 1.25 इंच देना है, देने के बाद हमको ऐसी निशाना देके काट कर लेना, ये जो मैंने एक्स्ट्रा दिया था ये सामने पार्ट को काटने के लिए, ठीक है, और इधर से इसको मार्जिन को थोड़ा सा कम कर देते हैं, अब देख सकते हो ये साइड का भी मेरा बिल्कुल सेम हो गया, ठीक है, जब इससे सिलाई जब होगा देखिए तो बिल्कुल सेम हो जाएगा, ठीक है, ये जो सामने का जो पार्ट है आपको
पूरा सही से हम दिखा दिया, ठीक है। आप एक बार नहीं तो दो बार तीन बार करके देखिए, आपको ये वीडियो भी आप एक कटिंग सीख सकते हो, ठीक है। और आपको हम बताऊंगा, ये अगर कटिंग आप सही से एक बार सीख लेना, आपको इतना अच्छा फिटिंग होगा, तो आप खुद आप बना के देखिए, आपका फिर अपना ऊपर विश्वास होगा, ठीक है। और ये मेरा हो गया, ठीक है, पूरा सामना पैटर्न जो है पूरा कटिंग हो गया। अब हमको ये जो बैक पीस है, बैक पीस का जो डीपनेस है, इसको हमको कुछ नहीं करना है, काट लेना खाली। आप देख सकते हो मेरा पीछे का जो डीपनेस है 10 इंच है, 10 इंच पे मैंने निशाना दिया, देने के बाद हमको इसी शेप दे देना, ठीक है। ये जो मेरा जो 3 इंच लाइन था, ये वाला ये लाइन से मैंने मिला दिया, 3.5 इंच वाला लाइन से इसी मिला दिया, ठीक है। और ऐसे इसको राउंड करके काट लीजिए, ठीक है। और जब भी आप ब्लाउज कटिंग कीजिएगा, ये वाला जो अगर पीछे अगर डीप होता तो इसको आप 2.5 इंच से 1.25 इंच तक रखिएगा, ठीक है। तो इससे अगर 3 इंच अगर मान लीजिए 3 इंच 3.5 इंच आप अगर दे दिए ना, फिर आपको शोल्डर का प्रॉब्लम होगा, शोल्डर गिर जाएगा कंधा से। और आप देख सकते हो, देखिए जब भी आप इधर दो जो टेकिन है, टेकिन डालने से आपका ये वाला जो फूट है, फ्लैट जो है, ऑलरेडी आपका इसी आ जाएगा, ठीक है। जो आपका शोल्डर का माप है वैसे आ जाएगा, ठीक है। और इधर भी आपका बिल्कुल फिटिंग भी सही होगा, फिटिंग में कुछ भी मसला प्रॉब्लम तो नहीं होगा। और अभी बाकी इसका स्लीव काटना है। तो आस्तीन काटने के लिए आपको क्या करना है, आप देख सकते हो मेरा जो आस्तीन का लंबा था, सबसे पहले हम इसको कपड़ा को डबल कर लें, ठीक है। आपको भी इसी कपड़ा को डबल कर लेना है, डबल आपको सबसे पहले एक लंबा इसी लाइन खींच लेना है, ठीक है। इसी स्टेप आस्तीन काटना बहुत ईजी है। तो आप कोई भी अगर आप थोड़ा लूज आस्तीन, लूज से अगर आस्तीन चाहते हैं, लूज भी आपका बन जाएगा। और थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा फिटिंग भी हो जाएगा। आपको एक हम ट्रिक्स दिखाते हैं। सबसे पहले आपको जो आस्तीन है, आस्तीन का लंबा दे दीजिए। आप देख सकते हो मेरा जो आस्तीन का लंबा है 11 इंच पर मैंने निशाना किया, ठीक है। ये मेरा आस्तीन का लंबा का निशाना है, ठीक है। इसका बाद मैंने यहाँ से 3.5 से 4.25 पे एक निशाना देंगे, ठीक है, एक निशाना देंगे, ठीक है। और आप देख सकते हो इसका मेरा जो मोड़ी है 10 इंच है, 10 इंच है, ठीक है। ये मेरा मोड़ी का मेजरमेंट हो गया, ठीक है। 10 इंच लिख दिया मैंने, ये मेरा मोड़ी का मेजरमेंट हो गया। आप देख सकते हो इसका आमोल था कितना इंच, 8 इंच था, मतलब डबल में आपका 16 इंच। तो हमको क्या करना है, यहाँ से हमको 7 पे देना है, ठीक है। यहाँ पे हमको 7 पे देना है, 7 पे देने के बाद मेरा जो आमोल है, तो हमको ऐसी यहाँ से लेके, आप देख सकते हो यहाँ से शायद आपको 2 इंच तक, ठीक है, 2 इंच तक आपको थोड़ा सा हल्का, मतलब यहाँ से 2 सूत ऐसी स्टेल लेके आना है, ठीक है। लेके आने के बाद ऐसी आपको यहाँ से ऐसी घुमा देना है। आप देख सकते हो कितना आसान है। आप देख सकते हो यहाँ से जो आमोल है मेरा, आप देख सकते हो 8 इंच 1 सूत आ गया, ठीक है। मेरा बिल्कुल आमोल जो है उसका हिसाब से परफेक्ट हो गया, ठीक है। ये मेरा जो नॉर्मल ब्लाउज का जो स्लीव होता है उसका हिसाब से, अगर मान लीजिए किसी का हाथ अगर थोड़ा सा पतला है, ये वाला पोजीशन जो आर्म्स होता है पतला है, तो आपको क्या करना, ये जो मैंने जो लाइन जो 4.25 पे दिया था, ये जो 4.25 पे दिया था ये वाला लाइन, थोड़ा सा आपको 1/2 इंच आपको और डीप कर देना, ठीक है। 1/2 इंच मतलब आपको थोड़ा सा और डीप करना है। करने के बाद ये वाला जो चीज जो मैंने 7 इंच दिया था, तो आपको 6.5 पे देना है, देखिए आपको 6.5 देना है। देने के बाद आपको यहाँ से लेके ऐसी आपको शेप दे देना है। अब देख सकते हैं इधर से भी आपका 8 इंच 1 सूत आ जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा आपका फिटिंग आएगा ज़्यादा, मतलब जैसे बॉडी का जो स्किन का पूरा टच का साथ आपको ऐसी फिटिंग जाएगा। अगर थोड़ा सा कंफर्टेबल अगर चाहता है, तो मैंने पहले वाला जो दिखाया था वैसे, अगर मान लीजिए बहुत सारा होता है जिसका आम बहुत मोटा होता है, ठीक है, जिम वगैरह करते हैं उसको बहुत मोटा होता है, तो आपको क्या करना है, ये जो मैंने 4.25 इंच दिया ना, आपको 3 2 सूत देना है, ज़्यादा नहीं है, ऐसी देना है। और मैंने यहाँ पे जो 7 इंच दिया था, तो आपको 7.5 पे देना है। देने के बाद यहाँ से आपको इसी लेकर इसी इसको सेट दे देना है। अब देख सकते हैं इधर से भी मेरा 8 इंच 1 सूत आ रहा है। तो आस्तीन का फिटिंग लूज टाइट जो भी होता है, आपको ये जो लाइन तीनों देखा है ऐसी हिसाब से कीजिएगा, आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और तो मेरा जो मिडिल वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन ही मेरा ठीक है, ठीक है। इसको हम कटिंग करेंगे, तो इसको हम हटा देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सिलाई मार्जिन छोड़ के इसको कटिंग कर लेते हैं इसी, ठीक है। और इधर भी हम इसी छोड़ के इसी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। और ये वाला जो मिडिल है, इसमें थोड़ा सा हम इसी खुटका लगा देंगे। और ये जो चक्का है, इसको हम मार्केट कर लेंगे इसे, ठीक है। और आपको और एक काम करना है, वो भी हम आपको दिखा देना है। ये मेरा जो स्लिप जो आस्तीन बन रहा है, ये मेरा पीछे का पार्ट हो गया, ठीक है। और ये मेरा सामने का पार्ट है।
अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये मेरा पीछे का पार्ट है, आस्तीन में दो पार्ट आता है ना, ये देखिए ये मेरा पीछे है, ये मेरा फ्रंट पार्ट है, ठीक है। तो आपको जो पीछे वाला जो पार्ट है आपको कुछ नहीं करना है, जो फ्रंट वाला पार्ट है तो आपका मार्कर से दिखा देता है, देखिए एसी करके आधा इंच मतलब, ठीक है इसे आधा इंच, और ये वाला मेरा मार्जिन था, ठीक है अपन जैसी शेप दिया एसी, आधा इंच आपको काटना है एसी, खाली सामने का तरफ एसी आपको आधा इंच एसी काट लेना है, ठीक है। ये मेरा मेरा आस्तीन का सामने का तरफ आएगा, ये मेरा आस्तीन पीछे का तरफ आएगा, ठीक है। अब देख सकते हो ये मेरा एसी आ गया, ठीक है। तो क्या करना है, मेरा जितना भी सारा वीडियो है आप उनको, वो जो सारा वीडियो है उनको बार बार देखिए, ठीक है। आपको देखने के बाद आपको बहुत आसानी के साथ कटिंग सीख लेंगे, ऐसा बात नहीं है जो हम मैंने हफ्ते में दो वीडियो चार वीडियो सौ वीडियो, कटिंग तो एक ही होता है, कटिंग कुछ नहीं होता, कटिंग एक ही होता है। तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको इतना वीडियो देखने का दरकार नहीं है, ठीक है। तो आपको मैंने जैसे फॉर्मूला देखा है, अगर इसे आप कटिंग कीजिएगा आपका फिनिशिंग बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। और चलिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। काफ़ी दिनों बाद हम वीडियो बनाए, ठीक है, और इसी टाइम नहीं मिल रहा था, तो उम्मीद है आप लोग मुझे इसी सपोर्ट कर रहे हैं, इसी करते रहिए, सब्सक्राइब भी नया हो तो चैनल पे सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक वगैरह भी दे दीजिए, ठीक है। और मिलता है नेक्स्ट मतलब कब लेके आएंगे वो मुझे भी ठीक नहीं है, ठीक है। जब भी मुझे टाइम मिलेगा हम वीडियो डालते रहेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, टाटा।